राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अधिशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस पहली बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में हुई। बैठक में राजस्थान ओपन स्कूल को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बैठक में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने, आईटीआई के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा देने पर उन्हें समकक्षता प्रमाण पत्र जारी करने, नामांकन वृद्धि करने के लिए राजकीय संदर्भ केंद्रों को पुरस्कार के रूप में पहले स्थान के लिए 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान के लिए 1 लाख और तीसरे स्थान के लिए 50,000 की राशि देने पर चर्चा की गई। एकलव्य और मीरा पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण सुविधा देने, आईटी सेल का गठन करने और पाठ्यक्रम का नए सिरे से निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा सचिव आरुषि मलिक, परियोजना निदेशक डॉक्टर भंवरलाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। स्टेट ओपन राजस्थान में स्वयं पाठी छात्रों के लिए एक बोर्ड है, जिसके माध्यम से 10वीं और 12वीं की एग्जाम घर बैठे साल में 2 बार ले सकते हैं और 9 चांस उसको मिलते हैं। तो जो स्कूल नहीं जा सकता है, प्लस जो आईटीआई किया हुआ है लेकिन वो 10वीं के समकक्ष नहीं माना जाता है, तो ये 2 पेपर हिंदी अंग्रेजी का लेकर के वो इस एग्जाम के जरिए पास होकर के फिर 10वीं के बराबर उसकी मान्यता मिलती है, वो कोर्स भी ये कर सकता है, ये बोर्ड के द्वारा कर सकता है। तो स्टेट ओपन की आज जीसी की 2005 में इसका गठन हुआ था, उसके बाद में पहली बैठक है। पहले क्यों नहीं ली मुझे पता नहीं किसी ने भी, लेकिन कम से कम जीसी की बैठक साल में 1 बार तो मिनिमम होनी ही चाहिए। ईसी की 14-15 बैठकें हो चुकी, जिसकी प्रमुख शासन सचिव जो भी होता है वो उसको चेयर करता है और जीसी में मंत्री लेते हैं। तो आज ये पहली बैठक हमने ली है और काफ़ी इस डिपार्टमेंट को, इस विंग को हमने समझा है और काफ़ी अच्छे अच्छे निर्णय हमने लिए हैं, जो इन बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकी संख्या की बढ़ोतरी का हो, चाहे इनके परीक्षा परिणाम संवर्धन की बात हो, उसके लिए हो।